तो दोस्तों आज किंग इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला होगी, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्लेयर लेकर आया हूँ और अच्छे से अच्छा एक टीम प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले बात करते हैं कि वो आप लोग हारते हैं, ठीक है। तो मैं जो टीम प्रोवाइड करता हूँ वो आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ और कोई लोग भी रखते हैं, तो एक जैसे अगर टीम रखेंगे तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो आज के वीडियो में कौन सा प्लेयर खेलेंगे, कौन सा प्लेयर नहीं खेलेंगे ये भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको भी कोई एक दो प्लेयर चेंज करना है, नहीं तो कौन हारेगा कौन जीतेगा, ठीक है ना। तो किंग इलेवन पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पर लोकेश राहुल, क्रिस गेस, मयंक अग्रवाल, आकाशदीप नाथ, युवराज सिंह, इन तीनों में से कोई एक खेल सकते हैं, तो ये तीनों रिस्की है। बाकी का करुण नायर, अरुण फिंच, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, एंद्र टाइप, वीरेंद्र सरन, अंकित राजपूत, इन दोनों का भी से कोई एक खेल सकते हैं, तो ये दोनों रिस्की प्लेयर हैं। बाकी का मोहित शर्मा और मानजीव। तो ये होगा किंग इलेवन पंजाब की। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो पृथ्वी पटेल, इनकी जगह कोई और भी खेल सकते हैं, बट मुझे डाउट लग रहा है, बट कंफर्म नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कहा। मोइन अली, ब्रैंडन मैक्लियम और डीकॉक, इन तीनों में से कोई एक खेल सकते हैं, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये तीनों रिस्की प्लेयर हैं। तो ब्रैंडन मैक्लियम या फिर डीकॉक, ये डीकॉक अगर फिट हो जाती है तो आज डीकॉक खेलेगी, तो कंफर्म नहीं है, बट ये तीनों का तीन रिस्की है। बाकी का विराट कोहली, ए बी डिविलियर्स, मनदीप सिंह, सरफराज खान, वॉशिंगटन सुंदर, कुलिंडे ग्रैंडम, टीम सऊदी, यूमएस यादव, मोहम्मद सिराज और चहल। तो ये होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। तो चलिए मैं आपको टीम सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया यार ज़रूर लाइक करो, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग में लोकेश राहुल को रख दिया है, और यहाँ पर कोई भी एक अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिलती है। तो बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली, ए बी डिविलियर्स और अरुण फिंच, करुण नायर, ऑप्शन मिलते आपको क्रिस गेल का, बट ये क्रेडिट का लिए इस क्रिस गेल को मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी का आप देखेंगे तो आपको उधर कोई अच्छा सा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऑलराउंडर की बात करते हैं, यहाँ पे कुलिंडे ग्रैंडम को मैं लिया है और क्रेडिट मैनेज करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन मिलती है आपको रविंद्र चंद्र अश्विन का। तो बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर बॉलिंग में अंदर टाई को लिया है, टीम सऊदी को लिया है और चहल को लिया है, देन उसके बाद आप मोहम्मद सिराज को भी ले सकते हैं, और एक में लिया है मोहित शर्मा को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है उमेश यादव का और मनजीव का। तो फिर से बैटिंग की बात करते हैं, तो आप अगर क्रिस गेल को लेना चाहते हैं तो आपको विराट कोहली को छोड़ना होगा, नहीं तो अच्छे से अच्छे प्लेयर में पिक नहीं कर पाएंगे। तो मैं और भी टीम सेलेक्ट करके रखा हूँ, जिसमें मैं स्क्रीनशॉट देकर रखा हूँ, मेरा वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहते हो उसमें विजिट कर सकते हैं, और बहुत सारा मैं स्क्रीनशॉट देकर रखा हूँ टीम का, आपको जो भी अच्छा टीम लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी आप कौन सा लें। तो नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं कैप्टन रख दिया लोकेश राहुल को और विराट कोहली को। आपका ऑप्शन मिलते हैं ए बी डिविलियर्स या लोकेश राहुल, या फिर ए बी डिविलियर्स और लोकेश राहुल और विराट कोहली। तो आप किसी को भी यहाँ पर कैप्टन बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यही अच्छा रहेगा, या फिर विराट कोहली को आप रख दिए, तो मैं यहाँ पर विराट कोहली को रख दिया, बाकी आपकी मर्जी। आप मेरा वेबसाइट जरूर विजिट करें और देखिए जो आपको टीम पसंद आए वो आप टीम में ले लीजिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन उसके बाद दो नंबर टीम भी देख लीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए और जाइए, और बहुत सारा मैं टीम बनाया हूँ, और आप स्मॉल लीग ही खेले और ज़्यादा बड़ा लीग ना खेले, और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी बातें हैं जो भूल जाती हूँ, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ बात करते हैं दोस्तों हराने की, मैं आपको हराऊंगी क्यों, आप लोग पैसे दे के खेलते हो यार, मैं आपको गलत टीम क्यों दूंगी। मुझे ये देखो, ये आईपीएल है, कौन अच्छा खेलेगी कौन नहीं खेलेगी ये तो मैं किसी को नहीं पता होगी, तो आपका लक अगर अच्छा होती है तो ही आप जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कौन आज कोई अच्छा खेल रही है, कल कोई अच्छा खेल रही है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। तो यार देखो क्या आप जीतते हैं या नहीं जीतते। तो मैं जितना ही अच्छा है वो टीम में वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।